औरत अपने आप को छुट्टी कब देगी मिस्टर रणवीर? एक औरत का भी छुट्टी का हक है। वो मैडम को बोलो, मैडम को। A mother is never off duty. अरे 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 मेरा फोन तोड़ दीजिए। हाय लोग डिनर करेंगे। अनु यहाँ प्ले प्ले कर रही है एंड मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अनु के साथ रणवीर गया है डॉगी लोग को खाना देने के लिए। अन्ना मैडम इज प्लेइंग विद माय फोन केस। जब तक अन्ना अच्छे से चुपचाप खेल रही है तब तक मैं थोड़ा बुक रीड करने की कोशिश करूँगी एंड देन बर्तन करने की कोशिश करूँगी। बट मेरा मूड नहीं कर रहा है। अगर मेरा थोड़ी देर बाद मूड करेगा तो ही करूँगी, अदरवाइज कल करूँगी सुबह, क्योंकि मेरा आज एकदम मन नहीं कर रहा है। एंड मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मेरे को गर्मी लग रहा था उस कुर्ती में। सो आई विल एडिट द ब्लॉग आफ्टर दैट। बर्तन आप करोगे ना हम करेंगे, तो आप ही कर लेना सुबह। तो कितना बर्तन घसाए हो अभी मेरे को? कितना घसाए? ब्रेकफास्ट, लंच और आज एक बार पूरा चाय। हॉलीडे। एक औरत अपने आप को छुट्टी कब देगी मिस्टर रणवीर? एक औरत का भी छुट्टी का हक है। वो मैडम को बोलो, मैडम को। A mother is never off duty. उसको क्या बोलो? बड़ी हो जाएगी जल्दी फटाफट। बोल रहे मेरा हॉलीडे है तो मैं खुद को छुट्टी कब दूंगी? मैं कब रेस्ट करूंगी? एक माँ रेस्ट नहीं कर सकती क्या? मेरे को तो डेली खाना बनाना चाहिए आपको छुट्टी हो या नो, डेली बर्तन करना चाहिए आपको छुट्टी हो या नो, डेली बच्चे को दूध पिलाना है, डेली बच्चे का डायपर चेंज करना है, डेली बच्चे को नहलाना है, तेल मालिश करना है, सारा दिन उसको पकड़ना है। अब बोलो तो आप तो रेस्ट ही किए, कितना बजे उठे हो? मेरा पैरस हो जाता है बाद उठता है और ज्यादा भोग भोग करते हैं, उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। आना चीख के उठ जाती है तब आँख खोल के से देखा वो चीख रही है, मैं आँख बंद कर लिया। मुझे लगा रणवीर शायद बोलेगा क्या हुआ आना क्यों रो रही है, कुछ नहीं आँख खोल के से देखा फिर आँख बंद कर लिया। आना बोलेगा मैं बैठी हूँ ना मम्मा ना, इट्स ओके सो जाओ, कोई ना आपने ड्रीम देखा बैड ड्रीम, फिर उसको सुला के सोने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो एक माँ एक बार माँ मतलब सोने के बाद कितना बार उठती है पता है? मैं अनइंटरप्टेड स्लीप के लिए ना तरस गई हूँ, सुनो तरस गई हूँ। आप समझते नहीं हो, वो एक चैन का नींद होता है ना कि बिना किसी झिक झिक आवाज के एक दो घंटा भी सोने को मिल जाए ना, काफी होता है। झिक झिक नहीं, अभी उसमें आन्ना को दूध पिलाना। और आन्ना का पता नहीं वो लेटे लेते ज्यादा अच्छे से दूध पीती है, मतलब जैसे नींद में जब रहते हैं तो वो थोड़ा सा मुड़ के फिर पीते पीते सो जाती है। हाँ उसको आदत है, ये उसको बचपन से पड़ गया लेते लेते कंटिन्यू दूध पिलाने का। और अभी जैसे वो दूध के लिए वैसे नहीं करेगी, वो जब सोने का मूड होगा तभी वो मिल्क पीती है अच्छे से। तो रात भर फिर वैसे मेरे को दो तीन घंटा बाद बाद वो रात में दो तीन मील तो ले ही लेती है, फिर सपना देख ली तो अलग, कल जैसे कंटिन्यू रोने लग गई थी तो सपना सा गया। तो फिर उसके बाद फिर और आधा घंटा मेरा चल जाता है। कल तो कितना प्यार से अभी खेल रही, देखो एक आवाज़ नहीं लगाई मम्मा को। पता है अभी हाँ टमी उसका फुल है, सब कुछ ठीक है, अभी वो परेशान नहीं करेगी, सोना भी नहीं है, खेलने के मूड में है। तो या अभी मैं दैट्स प्रीटी मच वीडियो भाई, तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो एंड कर रहा है या पता नहीं कितना ब्लॉग हुआ आज का। सो कल मिलती हूँ सीधा सुबह। Good morning guys and welcome back to the vlog. अभी क्यों जाते? अच्छा लगता है? It's actually 11 AM in the morning. सुबह से बारिश हो रही है, रणवीर जल्दी उठा है। कल सोए भी जल्दी था हम लोग। मैं 7 बजे उठ गया, बोलो। 9 बजे उठा है, हम लोग अभी उठे। रणवीर सोया 4 बजे था, हम सोए 7 बजे। ठीक है, दो तीन घंटे का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने इनको सोने तो दिया। इक्वल इक्वल। हम थोड़ा कलर में डिफरेंट नहीं है। आप एकदम थोड़ा दूर में, उधर आओ। लेकिन हाँ। कलर आपको थोड़ा डिफरेंट ही है, हम दोनों गोरे हैं। मैं बोलना क्या चाहते हो आप लोग? आप थोड़ा तो हम लोग से डार्क हो, थोड़ा सा, दो शेड या एक शेड या ठीक ही। मैं मिल्की व्हाइट हूँ, मिल्की व्हाइट। ये देखो नींद अभी तक टूटा नहीं है, देखो क्या देख रहा पता? वो बिस्किट, बिस्किट। अब बिस्किट आपको मिलेगा नहीं आनू? नो मम्मा, बिस्किट नहीं खाते। हाय। तो राइस बन गया है, दाल बन गया है, आना का खाना बॉईल हो गया है, आना ने मिल्कुस पी लिया है ब्रेकफास्ट का, तो आना करेगी लंच आफ्टर हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाए, छोटा मोटा ब्रेकफास्ट, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 11:10, 11:10 भी हो ही है। तो नॉर्मल चाय बिस्किट ही खाएंगे, उसके बाद मुझे बस आलू का एक सब्जी बनाना है। लेटेस्ट चीज पता हम क्या देखें? आना ना उस तरफ मुड़ के सोती है,
मतलब आपकी तरफ मतलब जब होता है इसको तब इधर आ जाती है, तब आती है फिर दूध पी लेगी फिर, हाँ, फिर उधर इतना गैप रहता है मेरे और अन्ना के बीच, काफी गैप रहता है। और हम मैं तो बेड में सोता नहीं हूँ, मैं नीचे सोता हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोग का नींद थोड़ा ठीक, वैसे मेरा नींद ठीक नहीं ना, तो मैं नहीं चाहता जाग के नहीं सोता है, तो बाई चांस अन्ना को चोट लग जाए बेकार का, इसलिए मैं नीचे आराम से बिंदास होकर सोता हूँ, नींद भी पूरी हो जाती मेरी। लेकिन क्योंकि अभी गर्मी नहीं, पहले तो गर्मी की वजह से सोता था नीचे, अभी गर्मी नहीं लेकिन फिर भी रवि नीचे ही सोता है। अन्ना को बिस्किट नहीं मिला, अन्ना सैड है, बिस्किट छूने के लिए कैसे करती है, मम्मा पतंजलि का दूध बिस्किट सीधा जाएगा मुंह में, सीधा मुंह में, मम्मा ना 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 पकड़ के रखी है, अन्ना का भी नया चालू हुआ, वो मेरा स्किन लेके ना ऐसे ऐसे नोचती है ऐसे। तो रणवीर के बूस्टर का टाइम हो गया है, तो अभी थर्सडे को बुक करती हूँ, क्या थर्सडे को बुक कर देंगे, फिर रणवीर खाएगा फिर से इंजेक्शन, आपके कुछ दिन बाद शायद मेरा टाइम होगा। मेरा नहाना कंप्लीट, रणवीर गया है नहाने, खाना बनाना कंप्लीट, अन्ना को खिलाना है अभी लंच, उसके बाद अन्ना को नहलाना है। आप अन्ना हो, अन्ना बोलने से हंस रही है, अच्छी नीनी आई आपको, ये भी करेगा, पहले लंच करते हैं फिर आप गंदे हो जाना, मेसी हो जाना, मेसी मेसी देन नहीं नहीं करना, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मम्मा को पीटी करता है, देख के खुश हो रही है, है क्या है क्या, अरे ये कैसे वियर्ड एंगल है मम्मा का, अरे बाप रे फोन लूज गई, मम्मा रुको मम्मा बैठ जाए पहले, ओ यू वांट टू से समथिंग, शी वांट टू से समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, क्या देख ले क्या देख ले, यहाँ लंच रेडी है, दाल एंड राइस, हरी मूंग दाल एंड राइस। हाय क्या खाएगो, मिल्क पी के सो गया था मेरा बेटा, हाउ आर यू, वाओ गुड जॉब रियांशी, ये नो 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 नो, उसके मुंह से भी निकल रहा है, गुड जॉब रियांची, यू सो स्मार्ट गर्ल, सो स्मार्ट गर्ल, सो प्रीटी गर्ल, वाजी 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 वाजी, क्या कर रही, मुंह टेढ़ा होने लग गया, फैन ये वाला चल रहा था बंद हो गया, अब ये खाने भी नहीं मांग रही है, फेंक दे रही, खा लो बाबा खा लो, चौके राइट अभी आ जाएगी, डोंट वरी। सो इट्स मेनी मेनी आवर्स लेटर, मैडम को आ रही है हिचकी, एंड मैं और अन्ना यहाँ पे वेट कर रहे हैं डैडी का, सो आफ्टर दैट आई डिडंट ब्लॉग बिकॉज आई क्राइड अ लॉट टुडे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अन्ना के साथ लेटी रही एंड रोती रही, लेटी रही रोती रही, और कुछ नहीं किया, ना बुक रीड किया ना कुछ, नथिंग। अन्ना दूसरे का बाइक का लाइट देख के थोड़ा शॉक हो जाती है, बाइक का लाइट देख रही है, मम्मी डैडी भी आने वाले, सो जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो रणवीर डिसाइडेड कि वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, सो इट्स 9:15 नाउ एंड रणवीर टेक्स्ट मी कि आई एम कमिंग, सो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर वॉक भी करा लेते हैं मैडम को, डैडी का वेट भी हो जाएगा, राइट मम्मा, मुझे नोच रही है पीछे से, चुपचाप भी थी, सो रही थी, दूध पी सो रही थी, अपने आप ही खेल रही थी, आई थिंक रणवीर आ रहा है, अम्मा आनू वो डॉगी देख रही है, आना एक्चुअली इसको देखने की कोशिश कर रही है, अम्मा हु इज दैट, हाय हाय हाउ आर यू, कैसे है, इधर आ गया, इधर लाइट फोकस भी कर रहा है, देख देख एक्साइटेड देखो, आ रहे डैडी आ रहे, बेटो ओ जी भी ये शापा, नहीं तो एक एनर्जी फुल आया, पूरा एनर्जी आ गई,
सो आई एम हैविंग गर्मा गर्म चॉप, आलू चॉप जो कि रणवीर लेके आया है एंड इट्स यम्मी। आने और इस मैडम ने फिर बेडशीट गंदा किया। हमने क्या किया गलती से बोलो क्या सही। और भाई गलती से हमने मैनी पोको पैंट्स का एक्सेल लेके आया है। एक्चुअली गलती मेरा नहीं है, गलती है रणवीर सर का। और अभी फिर रणवीर सर तदर डुबोएंगे क्योंकि हो करती है और सुसु कर देती है। कोई ड्राई शीट में छोड़ो फिर भी सुसु का उधर चला जाता है, यहाँ स्क्वेयर ड्राई शीट सुसु का वहाँ जाता है। कैसे कैसे आप बेड शीट गंदा कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन फिर भी चलो। हाँ ठीक है, थोड़ा उसका कम्फर्टेबल ही है, फ्री साइज है। हाँ मतलब थोड़ा मतलब ढीला है लेकिन हाँ जैसे मतलब हाँ। इसका लगेगा एल साइज और आपका पैंपर्स का लगेगा एक्सेल। मैनी पोको पैंट्स का आना को एल लगेगा, एल लगेगा। पैंपर्स का एक्सेल पहनती है, लिटिल्स का भी एक्सेल पहनती है। फर्स्ट टाइम हमने मैनी पोको पैंट्स पहनाया है एंड पता नहीं शायद इसको ये पसंद नहीं आई, कंटिन्यू इसको खींच रही है। इट्स ओके मम्मा, ऐसे पकड़ के शायद अनकम्फर्टेबल लग रहा हो ये। एंड मैनी पोको पैंट्स थोड़ा ज़्यादा फुला हुआ है, पता नहीं कोई अगर यूज़ करता है क्योंकि मुझे पैम्पर्स पसंद है, हगीज़ भी ओके हैं, लिटिल्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि लिटिल्स एक्चुअली में थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अभी मैनी पोको पैंट्स इस बार रणवीर लेके आया था एंड नाना कंटिन्यू खींच रही है। ब्लेस यू मम्मा, शोई शोई करेगा, कंटिन्यू ऐसे हाथ रख कर रख के उसको खींच रही है। मम्मा इज इट अनकम्फर्टेबल, इट्स नॉट कम्फी। ओ मेरा बच्चा।